नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग पुणे स्टेशन में और लातूर के सर्प मित्र सम्मेलन जो आयोजित होने वाला है वहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। और हमारी ट्रेन जो है फिलहाल वो रात के 12:30 बजे और सुबह तक हम लोग 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। धन्यवाद। खाते समय लो, खाते पीछे से लोग डाकू है डाकू। जाओ जाओ आराम से जाओ। अरे अरे तुम टेंशन मत लो। बहुत बहुत पब्लिक है। अरे पब्लिक है तो क्या, पब्लिक है क्या, ये इतना काम करने आए तो बात देना भाई। रजत रजत ऐसा बात करके फिर ना लाट में थोड़ा ऐसा रुकेंगे, फिर ऐसा ट्रेन के साथ ले लेंगे। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई और हम लोग जो है पुणे से जो है कितने बजे, तो 7:15 बजे हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं और हमारे साथ पूरी टीम और आगे बाकी सभी सर्को मित्रों के साथ हमारा जो एक आमना सामना होगा। सर आप थोड़ा सा रियस शेर को अंदर लीजिए कैमरे में। आइए आइए रियस भाई। और आराम से हम लोग पहुंच गए। रियाज भाई कुछ कहना चाहेंगे आप दो शब्द? मेरे पे क्यों डाल? और सबको सही सलामत लेके आया, सबको सही सलामत लेकर आ गए और अभी हमें पहुंचे भी उतरे देखिए। चलो फोटो गए थे, फोटो ले लग रहा है। 1 2 3 तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मंजिल पर हम लोग जो है पहुंच गए। अभी लातूर में हम लोग इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए यहाँ पे सब लोग जमा हो गए और फिलहाल मेरे साथ में अमित अनारदे, संभाजी चौगले कोल्हापुर के जो है ये काफ़ी बढ़िया इंसान और बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके बाद अशोक टाइडे जी और राजू कदम। तो अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और थोड़ा सा अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद जैसे जैसे हमको वक्त मिलेगा, जैसे जैसे हमको मौका मिलेगा, हम एक छोटी छोटी सी क्लिप बनाएंगे और बाद में एडिट करके एक थोड़ा सा अपलोड करेंगे ताकि एक यादगार का जो पल है उसको हम लोग जो है लोगों तक पहुंचा सके और ये हमारे पास भी जो है एक यादगार बन के हमेशा हमारे साथ रहे। तो थोड़ा सा हम लोग अंदर चलते हैं। आइए सर जरा।
दोस्तों आप देख सकते हो अभी हम लोग हॉल में पहुंच चुके हैं और यह सम्मेलन जो एक एक बहाना है, सम्मेलन का एक बहाना है और जहाँ से हमारे महाराष्ट्र के कोने कोने से सर्प मित्र जो आए खाली इनको मिलने का ये हमारा मौका है और कोशिश हम करेंगे इस मौके को एक काफ़ी यादगार बनाएं और हर एक से मिलने की हम कोशिश करेंगे क्योंकि काफ़ी दूर दूर से बहुत सारे लोग आए और कुछ लोग सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे को पहचानते और कुछ लोग जो है सिर्फ नाम से पहचानते और अगर कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते भाई। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, उसके बाद अमित जी आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई, संभाजी भाई, संभाजी चोगले सर आप कुछ बोलना चाहेंगे अगर मराठी में भी बोले तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दो शब्द आप बता दो जरा। तर सरांना भेटून आज दीपक सरांना म्हणजे पहिलं आम्ही पाहत होतो यूट्यूबवरती फेसबुकवरती पाहिलं पण आज खरोखर मला या सर्वांना अमित सरांना भेटून दायडे सरांना भेटून दीपक सरांना भेटून खूप आनंद झाला सर आपल्याला रिया शेख रे सरांना भेटून खूप आनंद झाला आणि इथं आम्ही फक्त म्हणजे हे कार्यक्रमानिमित्त नाही तर इथं सर्व माहिती आम्हाला मिळते आणि आमच्या फक्त आम्ही एकमेकांना पाहत असतो यूट्यूबवर फेसबुकवरती तर इथं सर्वांच्या भेटीगाठी होतात मी खूप चांगलं वाटतं की आमच्या मनामध्ये जे काय आहे ते आम्ही सर्व इथं एकमेकांच्या समोर मांडतो आणि बऱ्यापैकी आम्ही सर्व हे म्हणजे चांगलं वाटतं इथं सोपं जातं आणि सर्वांच्या भेटीगाठी पडतात त्यामुळे वर्षातून असं एक वेळा आमचं सेमिनार असतंच असतं। तर धन्यवाद, बहुत अच्छा। पीछे का नजर है लो, दर्शन करवा दो सामने बैनर के ऊपर, थोड़ा सा पैन कीजिए कदम सर को हमने अभी कैमरा मैन बनाया थोड़ी देर के लिए। अभी क्या करो, कट करो और कट करने के बाद अंदर जाके थोड़ा अंदर एक घुमाओ खाली सर अंदर। नमस्कार, मी सर्पमित्र आकाश जाधव अहमदनगरहून, माझ्यासोबत आपले औरंगाबादचे सर्पमित्र आहेत, पुण्याचे आहेत, उदगीरचे पण आहेत, अनेक ठिकाणाहून महाराष्ट्रभरातून या ठिकाणी सर्पमित्र आलेले आहेत। आपण आजूबाजू परिसर दाखवायचा, या ठिकाणी पहा अनेक महाराष्ट्रभरातून आलेले आहेत। आज खूप छान वाटलं कारण या संमेलनाच्या माध्यमातून जे जुने सर्पमित्र असतील किंवा नवीन सर्पमित्र असतील यांची ओळख होते आणि एकमेकांच्या विचाराची देवाणघेवाण। आजकाल आपण बघतोय स्टंटबाजी असेल किंवा सर्पदंश असेल, स्टंटबाजीतून सर्पदंश होतात। आपण जे जुने सर्पमित्र आहेत हे नक्कीच त्या स्टंटबाजीमधून आलेलंच पाहिजे पण या स्टंटबाजीमधून जे काही नवीन जे पुढची पिढी शिकणार आहे त्यांना खूप भावावं लागतं, सर्पदंश होतात। त्याच्यामुळे आपण जुने सर्पमित्र आहेत यांनी तरी कदाचित आपले स्टंट जे आहेत ते कमी केले पाहिजे आणि इतरांना जे नवीन सर्पमित्र आहेत त्यांना सांगितलं पाहिजे की आपणही स्टंट नाही करायला पाहिजे कारण आपलं बघून दुसरं कॉपी करण्याचा प्रयत्न निश्चितच आम्ही खूप म्हणजे काय म्हटलं तरी चालेल अशा प्रकारे साप हाताळण्याचा प्रयत्न करतो आणि प्रत्येक वेळेस ती ही उपयोगाची गरजेची ती वापरलीच पाहिजे। तर हा संदेश नक्कीच आपण सर्व सर्पमित्रांना द्यावा अशी विनंती करतो। आमचे मित्र दीपक हे काही दोन शब्द बोलते। सबसे पहिले तो मेरा सभी लोगों को एक दिल से स्वागत और नमस्कार और सर्पमित्र राजू कदम, पुणे से सर्पमित्र राजू कदम, रिया शेख, दीपक शर्मा की तरफ से सभी सर्प मित्रों का हार्दिक स्वागत है और सभी का धन्यवाद देता हूँ कि सभी लोग यहाँ पे अपना टाइम निकल कर आए। और सबसे खास हमारे जो खास मित्र जिनको मैंने खास नाम दिया है टाइगर ऑफ महाराष्ट्र स्नेक कमांडर श्री आकाश भाव यादव आज हमारे साथ खड़े हैं जो कि महाराष्ट्र की शान है और हम सबको गर्व है कि हमारे महाराष्ट्र से कोई एक अच्छा काम कर रहा है और हमको भी इनके नक्शे कदम पर चढ़कर इसी तरह काम करना है क्योंकि इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी बिना रिस्क के वो काम करते हैं और सूझबूझ के साथ काम करते हैं तो हमको भी ऐसा ही करना है क्योंकि जहाँ पे थोड़ी सी चूक होगी तो वहाँ पे रिटेक नहीं होगा और बिना रिजर्वेशन के टिकट हो जाएगा, क्या बोलते हैं सर? तो ऐसा हमको करना नहीं है। फिर से एक बार सभी सर्प मित्रों का
दिल से स्वागत है, दिल से धन्यवाद है। अच्छी तरह काम करो, अच्छी तरह प्यार मोहब्बत से रहो और मिलजुल कर एक साथ मिलकर सबको साथ लेकर चलो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगदीच आज हा जो समारंभ संपन्न होतोय, अतिशय कष्टातून लातूर नेता न्यूज चॅनलच्या वतीनं सगळ्या सर्वांना, सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपले बरेच जण आहेत ते विवाहित आहेत, धोंड्याचा महिना सुरू आहे, त्यामुळे बऱ्याच जणांना तो दोस्तों आप देख सकते हो की काफी खुशी का मौका है और काफी अच्छा माहौल है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे सर्प मित्रों से हमारी मुलाकात हुई, महाराष्ट्र के कोने कोने से बहुत सारे सर्प मित्र आए और हमारे खास दोस्त ये एक्चुअली मिलते नहीं हमको, हमारे घर के पास रहते लेकिन बार बार धामा साहब की तरह छूट जाते हैं। तो आज हमारे पकड़ में आए साईदास, साईदास कुशल, बहुत ही अच्छे इंसान और अच्छा काम करने वाले हमारे खास मित्र, और बाकी तो टीम सब वाकिफ है। एक बार सभी के लिए, जितने भी सर्प मित्र महाराष्ट्र से सभी के लिए एक बार हम लोग एक बार सल्यूट करेंगे और अपने आप के लिए भी सल्यूट करेंगे कि हम लोग जो है अच्छा काम कर रहे हैं। और संभल के करो और प्यार से मोहब्बत से और इज्जत के साथ करो। धन्यवाद। शीतल वावरबाग अकोला जिले से जाने माने सर्प मित्र और डैशिंग वुमेन, आइए सर सबको कहने के लिए लीजिए एक बार और हाथ दिखाओ जरा यार, हंसते हंसते शक्ल दिखाओ जरा यार, रोते शक्ल दिखाओ जरा। चालू है ना भाई, कार्यक्रम काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी खुशी मिली और इसी तरह उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी सभी सर्प मित्र पूरी ईमानदारी और इज्जत के साथ प्यार मोहब्बत के साथ यहाँ पे आएंगे। गौतम सर आपका चेहरा अगर बीच में नहीं लाएंगे तो सर आपको ज़्यादा खुशी मिलेगी। हाँ ये वही ना बात, धन्यवाद। और ये इस प्रोग्राम के खुशी के साथ एक और एक खुशी का मौका है, शीतल मैडम का आज बर्थडे है और इस बर्थडे की खुशी में मैडम को हम लोग क्या करेंगे, मेरी तरफ से सभी सर्प मित्र की तरफ से मैडम को गाने की एक लाइन डेडिकेट करेंगे। और डेडिकेट करने से पहले शीतल मैडम के लिए हम लोग लंबी उम्र के लिए दुआ करते हैं, भगवान इसी तरह इनको खुश रखे, स्वस्थ रखे और अच्छा काम करने की प्रेरणा दे और इसी तरह जो है पशु पक्षी प्राणियों को और सांपों को ऐसे बचाते रहे और साथ में इंसानों को भी बचाते रहे। तो मैडम के लिए गाने की एक लाइन, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुझे हजारों साल ये मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू शीतल मैडम, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बार जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सबकी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अभी आज का जो कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम अभी आखिरी पैदान पर है और अभी बस ख़त्म होने वाला है और ख़त्म होते होते और हमारी जो मुलाकात है फिर से चैताली मैडम से हुई है, चैताली भास्मे जी जो कि नागपुर से आए हैं, जानी मानी सर्प मित्र, जानी मानी रेडियो आर्टिस्ट है, वॉइस ओवर है, डबिंग करती हैं और पता नहीं क्या क्या करती है, क्या क्या करती है मैडम, आप इतना काम क्यों करती है। और काफ़ी खुशी हुई मिलकर और फिर से एक बार सभी सर्प मित्र जितने भी महाराष्ट्र से आए सभी का धन्यवाद और एक बार चैताली मैडम का खास धन्यवाद जिन्होंने बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के इस सम्मेलन में चार चांद लगाए। क्यों अमित भाई और हमारे साथ जुड़े हैं अमित भाई, अशोक गाइडे, ये चैताली मैडम और मैडम आपका नाम ये पूजा मैडम। तो मैडम आप दो शब्द आपके बोलते हैं हमारे लिए, आपको कैसा लगा कार्यक्रम में आज? कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ और तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी सब लोगों की मुलाकात होगी इस वजह से मैंने कार्यक्रम को अटेंड किया और काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे और बहुत खुश हुई। तो खुशी तो हमको भी बहुत हुई है और उम्मीद करते हैं कि शायद अगर अगले साल फिर से अगर प्रोग्राम हुआ तो अगले साल आप जरूर फिर से आइए और तबीयत को चार पाँच दिन संभाल कर अच्छी तबीयत लेकर आइए, ठीक है? धन्यवाद, जय महाराष्ट्र। आइए फोटो लेंगे, शूटिंग चालू आ जाओ आप निकल रहे हो, आप शूटिंग चल चल चालू रखता हूँ और ट्रेन कितने घंटे? 7 बजे निकलता है।
तो उम्मीद करते हैं फिर अगले साल चैतन्य मैडम से फिर से दर्शन होंगे हमारे। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो, प्यार दो, प्यार में मोहब्बत बांटो, अच्छे काम करते रहो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र, जय नागपुर, जय हिंदुस्तान। इसका नाम क्या? श्रद्धा ना। जाने माने सभी सर्प मित्र जो है लातूर में आज हमको मिले, और हमारे साथ अशोक तायडे, अम्माजी चौगुले और जाने मानी सर्प मैत्रीन श्रद्धा, श्रद्धा पाटिल और सेल्फी क्वीन जिसको हम बोलते हैं, जाने मानी सर्प मित्र और इंस्टाग्राम की फेमस क्वीन, और क्या क्या बोलूँ, शीतल, शीतल मैडम और स्वरूप आनंद, छोटा पाटिल, छोटा पाटिल। तो सभी सभी लोगों का धन्यवाद। सब लोग आए और खाना वाना खा के जाना है, शर्माना नहीं है, ये सब आयोजन मैंने खुद किया है, तो घबराना नहीं है। धन्यवाद। शूटिंग चल गया? हाँ चल गया। क्लियर आ रहा है ना शूटिंग? हाँ। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा जो कार्यक्रम सर्प मित्र सम्मेलन जो कि लातूर में हुआ था, अब ये खत्म हो चुका है और अभी सब अपने अपने घर रवाना हो जाएंगे। और काफ़ी खुशी मिली और काफ़ी इतना खुशी का मौका था ये कि शायद ये इसको भूलना मुश्किल है, क्योंकि पूरी तादाद में और मुझे लगता है शायद महाराष्ट्र के हर कोने से और हर जगह से सारे के सारे सर्प मित्र यहाँ पे आए थे। लगभग 600-700 सर्प मित्र कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत छोटी बात नहीं है, काफ़ी बड़ी बात है। और ये आखिरी मौके पर बस मैं इतना कहना चाहूँगा, इसी तरह प्यार मोहब्बत बनाए रखो, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, हम सबको साथ में मिलकर चलना है, साथ मिलकर काम करना है। और आकाश भाऊ जैसे अच्छे इंसान साथ में होना मतलब हमारे काम में चार चांद लगने जैसी बात है। और इस प्रोग्राम को अंतिम पूर्ण विराम देने से पहले आकाश भाऊ यादव को मैं कहूँगा कि दो शब्द जरूर कहे, एक बार हिंदी में सर लीजिए। अभी इस प्रोग्राम में आया, खास करके मैं किसी प्रोग्राम में अटेंड नहीं करता, लेकिन सर्प मित्र के जो भी प्रोग्राम है चाहे वो कितनी भी दूर हो मैं अटेंड करता हूँ। तो जैसे ही मुझे नेताजी यादव का फोन आया कि सर्प मित्र सम्मेलन के लिए आना पड़ेगा, मैं बोला मैं आऊँगा, जरूर आऊँगा। जो लोग आउटसाइड में रहते, जो गाँव गाँव में रहते अलग अलग, वो मुझे कहते फोन करके कि सर हमारे बार इधर एक बार आओ। तो इस मौके पर क्या होता है, वो सब लोग एक जगह होते हैं, मुझे किसी जगह पर एक अकेली स्पेशल किसी जगह पर जाना जरूरत नहीं पड़ती। सही। तो उनको भी खुशी मिलती है कि मैं आ रहा हूँ, उनसे भी मुलाकात होती है और अच्छा लगा सबसे मिल करके। खास बात ये है कि मुझे कहा गया कि ऊपर बैठ, मैं बोला नहीं, मैं सबके साथ बैठूंगा, क्योंकि मैं कोई बड़ा ऐसा नेता वेता नहीं हूँ, आप ही के जैसे सर मित्र हो, छोटा सर मित्र हो। अभी हाल ही में क्या हुआ है, यूट्यूब में ज़्यादा लोग देख रहे हैं इसलिए बड़ा सर मित्र, ऐसा कुछ नहीं। जो सांप मैं पकड़ सकता हूँ वो सांप आप भी पकड़ सकते, तो मैं कैसे बड़ा होगा, मैं भी उसी तरीके हूँ ना, मैं कुछ छोटा बड़ा नहीं हूँ। जो लोग आप काम कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ, बस यूट्यूब के माध्यम से लोग ज़्यादा पहचान रहे, इसलिए लोग कुछ कुछ कहते कि ये बड़े बड़े आदमी, ऐसा बड़ा नहीं है। इसलिए मैंने उनको कहा कि मैं स्टेज पर नहीं रहूँगा, जो आम लोग जैसे नीचे बैठे हैं कुर्सी पर वैसे मैं बैठूँगा। और ये सम्मेलन काफ़ी अच्छा हुआ, अच्छा इधर इन्फॉर्मेशन मिला जो मुझे भी नहीं मिला, जो कुछ बातें ऐसी पता चली जो हमें करनी चाहिए थी, जो हमने गलती की है और अभी आगे हम सुधारेंगे वो गलती। सही बात। और मैं वीडियो के माध्यम से वो भी कहना चाहूँगा कि आप भी, अभी जितने भी लोग इस सम्मेलन में आए थे, जिन्होंने सम्मेलन देखा और सम्मेलन में जो भी जानकारी मिली, वो भी आप फॉलो करें। और सभी को नमस्कार, धन्यवाद। तो आखिरी में बस फिर से दो शब्द मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि आकाश भाव ने जो एक बात बताई है, ये काफ़ी अच्छी बात बताई है कि बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। हालांकि हमको पता है कि इनका काम भी काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन ये अपने आप को बड़ा मानते नहीं। और ये सर्प मित्र की अच्छाई जो इनके अंदर जो है, ये हम सबको पता है, इनका दिल भी बड़ा है और इनके काम भी अच्छे हैं। तो इसी तरह इनके मार्गदर्शन पर चलकर जो हमारे जो नए सर्प मित्र है उनको फॉलो करो और बिना रिस्क के, बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी स्टंट के इसी तरह अच्छा काम करते रहो। उम्मीद करता हूँ ये काम और ये जो शाम है, ये सबको एक यादगार का जो एक इतिहास में हमेशा एक बना रहेगा। और आखिर में बस इतना कहेंगे, प्यार दो, प्यार लो, मोहब्बत करो, अच्छे काम करते रहो, अच्छे लोगों को साथ लेकर चलो, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। और मेरी बात को यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। और एक बार सभी सर्प मित्र की तरफ से, जितने भी सर्प मित्र आए सबकी तरफ से, हमारे जो प्रमोद पुरी सर है या हमारे लेखासा सर, तो उनको मैं उनका आभार करता हूँ कि जिन्होंने हमको यहाँ पे मौका दिया आने का। और इसी के साथ मैं अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुणे, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम।